मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडा में फलस्तीन हामी मुजाहरीन का वजीर आजम और मेयर टोरंटो पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। मुजाहरीन का कहना है कि एहतजाजी ग्रुप अस्पतालों और अस्पतालों के मैदानों के तकद्दस का एहतराम करते हैं। एहतजाज को गलत तरीके से अस्पताल को निशाना बनाने के तौर पर पेश किया गया। टोरंटो के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी जारी, शदीद बर्फबारी का इम्कान। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि मौसम में अचानक तब्दीलियों की वजह से सफ़र खतरनाक हो सकता है। शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। रूसी बहरिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज तबाह कर दिया, यूक्रेन का दावा। ड्रोन्स के जरिए बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। ICJ का यूक्रेन रूस नस्लकुशी केस की समाप्त करने का फैसला। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada ke Toronto ke ek aspatal se guzarne wale Palestini hami muzahire ke muntazmin Wazir Azam Justin Trudeau aur shahar ki mayor par galat malumat phailane aur puraman muzahireen ke saath nainsafi ka ilzam laga rahe hain. मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडा के टोरंटो के एक अस्पताल से गुजरने वाले फलस्तीनी हामी मुजाहरे के मुंतजमीन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और शहर की मेयर पर गलत मालूमात फैलाने और पुरअमन मुजाहरीन के साथ नाइंसाफी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक मुश्तरका तहरीरी बयान में तीन ग्रुप जिन्होंने मार्च का एहतमाम किया ने कहा कि सियासतदानों की यह तजवीज़ के मुजाहरीन ने माउंट सीना अस्पताल को साम दुश्मनी की कार्रवाई में निशाना बनाया है, बेबुनियाद और गलत है। बयान में कहा गया है कि एहतजाजी ग्रुप अस्पतालों और अस्पतालों के मैदानों के तकद्दस का एहतराम करते हैं। मुजाहरीन का कहना था कि हम कनाडा के सियासतदानों की मजम्मत करते हैं कि एहतजाज को गलत तरीके से अस्पताल को निशाना बनाने के तौर पर पेश किया गया है। वजीर आजम के दफ्तर और टोरंटो की मेयर ओलिविया चौक के दफ्तर ने बुध को तबसरा करने की दरख्वास्तों का फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। टोरंटो के मरकज में वाकया माउंट सीना अस्पताल की बुनियाद एक सदी कबल यहूदी बिरादरी ने रखी थी। मंगल के रोज वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर एक पोस्ट जारी की। अस्पताल के बाहर मुजाहरे के स्टॉक को साम दुश्मनी का काबिल मजम्मत मुजाहरा करार दिया और कहा, अस्पताल इलाज और देखभाल के लिए जगह है, एहतजाज और धमकियों के लिए नहीं। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने एक्स पर एक पोस्ट जारी की जिसमें कहा गया कि पीर को माउंट सीना पर किए गए इकदाम नाकाबिल कबूल थे, यहूदी इदारों को निशाना बनाना साम दुश्मनी है। सिनाई हेल्थ के सदर और CEO समेत अस्पताल के 15 रहनुमाओं के एक ग्रुप ने भी बुध को जारी करदा एक खत में इज्तिमा को साम दुश्मन करार दिया। टोरंटो पुलिस का कहना था कि वो अस्पताल के सामने और एहतजाजी रास्ते के साथ पेश आने वाले वाकयात की तहकीकात कर रहे हैं और अस्पताल के नाम नेहाद कतार वाले इलाके में उनकी मौजूदगी में इजाफा होगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि आया एहतजाज के दौरान अस्पताल के ऑपरेशंस में खलल पड़ा। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जुमेरात को शहर और आसपास के इलाकों में अहम बर्फबारी मुतवक्के है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए मौसम सरमा की सफरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जुमेरात को शहर और आसपास के इलाकों में अहम बर्फबारी मुतवक्के है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी और हद निगाह कम होने का इम्कान जाहिर किया गया है। विफाकी मौसमियाती एजेंसी ने एडवाइजरी में कहा कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से सफ़र खतरनाक हो सकता है। हालात बेहतर होने तक गैर ज़रूरी सफ़र को मुलतवी करने पर गौर करें।
متاثرہ علاقوں میں پیدل چلتے یا گاڑی چلاتے وقت اضافی خیال رکھیں۔ توقع ہے کہ جمعرات کی صبح سے برف باری شروع ہو جائے گی اور جمعرات کی شام کے بعد خاص طور پر شہر کے شمال اور مغرب میں جھڑپوں میں کمی آنے سے پہلے دن بھر جاری رہے گی۔ جمعرات کی شام سے شروع ہو کر جمعے کی صبح تک 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز شمال مغربی ہواؤں کی بھی توقع ہے۔ جمعرات کو برف باری کے ساتھ ہی درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ دیکھا جائے گا، جبکہ جمعے کو دن کے وقت درجہ حرارت منجمد کے نشان کے آس پاس ہوگا۔ یوکرینی جرنل ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فوج نے بحیرہ اسود میں روسی بحریہ کے سب سے بڑے جہاز سیزر کونیکوف کو تباہ کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ یوکرینی جرنل ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فوج نے بحیرہ اسود میں روسی بحریہ کے سب سے بڑے جہاز سیزر کونیکوف کو تباہ کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی مسلح افواج اور امور دفاع کی خفیہ ایجنسی کے تعاون سے بحیرہ اسود میں روسی بحریہ کے سب سے بڑے جہاز سیزر کونیکوف کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کریمیا کے البوکا نامی سول آبادی کے قریب یوکرین کی سمندری حدود میں موجود تھا۔ یوکرینی وزارت دفاع کی جاری کردہ فوٹیج میں روسی بحری جہاز کو ڈرون حملے سے نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تاہم روس کی جانب سے ابھی تک اپنے بحری جہاز کے تباہ ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ دوسری جانب ICJ نے یوکرین روس نسل کشی کیس کی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا ہے کہ روس کے خلاف یوکرین کے کیس کے کچھ حصے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ماسکو نے 2022 کے حملے کو جواز فراہم کرنے کے لیے کیف پر نسل کشی کا بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ تاہم ICJ نے جمعے کو فیصلہ دیا کہ وہ اس بات پر توجہ نہیں دے گا کہ آیا روس نے 1948 کے نسل کشی کے کنونشن کے خلاف ورزی کی ہے، جو یوکرین کا کہنا ہے جنگ کے بہانے کے طور پر نسل کشی کے الزامات لگائے گئے تھے، چاہے اس حملے نے بین الاقوامی قانون کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی کی ہو۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔